गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का दिन है सैटरडे का और आज हमारा प्लान है अंबिकापुर जाने का। तो चलिए गाइस, आपको दिखाता हूँ कि आज हम अंबिकापुर में क्या क्या करने वाले हैं और हम कहाँ कहाँ जाते हैं। ये हमको पिकअप करने आ चुका है गाइस। तो हम कहाँ जा रहे हैं भाई आज? घूमने, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, हम फिर घूमने जा रहे हैं गाइस। तो हम निकल चुके हैं अंबिकापुर के लिए। मेरे साथ मेरे दो दोस्त और हैं। हेलो, ओए, सो गया। हाँ, सो गया। इसको इग्नोर करिए गाइस। आप लोग गाइस के वही लड़के जो मैंने कंट्री के साथ चिपक लेता है। सोया भी है वो, शर्म से मुंडी नहीं सुखा रहा। लेकिन गाइस आप इसको पहचानते हैं, वही है जो आपको मेरी पुरानी व्लॉग में देखने को मिला होगा शायद। और उससे भी ज्यादा अगर आप कहीं आम के बगीचे में जाएंगे तो वहाँ आम चुराते हुए मिलेगा आपको। ये काफी अजीब प्राणी, हमेशा आम के बागों में ही मिलता है। आज हम पहुंच चुके हैं अंबिकापुर। देखिए हमारे साथ कौन है। हेलो गाइस, सुबह इनका नाम और अब हम इसका भी चैनल गाइस, इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम पहुंच चुके हैं मारुति सुजुकी के शोरूम। हमें अपनी गाड़ी छोड़नी है आज। हमारी गाड़ी में पीछे डेंट लग गया है, उसको रिपेयर करवाने के लिए हम आए हैं अंबिकापुर। तो देखते हैं अब यहाँ कितना टाइम लगता है, फिर निकलते हैं यहाँ से, फिर मैं आपको आगे की अपडेट देता हूँ गाइस। तो अब हम अपना आधा काम कर चुके हैं, टाइम हो गया है 5 बज रहा है गाइस। तो अब हम अपनी गाड़ी छोड़ चुके हैं मारुति सुजुकी के शोरूम में और अब हम हो चुके हैं पैदल। तो भाई कैसा लग रहा है तुमको पैदल चल के? एसी में घूम रहे थे, पैदल घूम रहे हैं। देख रहे हो, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। ओके गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं राजपुर। ये है मेरे कुछ फ्रेंड्स। हाय बोल दो गाइस। ओके गाइस, तो अब इस ब्लॉग को खत्म करते हैं। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय बाय।